हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मेरा बगीचा में। दोस्तों, आप मेरे हाथों में ये जो देख रहे हैं, ये जो है कि पर्पल कलर का, बैगनी कलर का है, और ये कुछ रेयर वेराइटी देखी आज नर्सरी में। तो मैं नर्सरी में गया हुआ था तो इस प्लांट को लेके आया हूँ, और ये प्लांट काफ़ी बड़ा है। ये प्लांट जो है कि लगभग 5 फीट का है, और इसकी ये जड़ें देख लें आप, इसकी रूट जो है काफ़ी आई हुई हैं, और ये छोटा सा एक ग्रो बैग है जिसमें ये लगा हुआ था। तो आज मैं इसको है जो है रिपोर्ट करूँगा एक बड़े से गमले में। ये मेरे पास एक टीन का कंटेनर पड़ा हुआ था जिसको मैंने कुछ इस तरीके से कलर किया हुआ है, और इस टीन के कंटेनर में ही इस प्लांट को, जो कि मैं पर्पल बैगनी कलर का जो है गुड़हल का जो प्लांट लेके आया हूँ, इसी प्लांट को लगाऊँगा। ये प्लांट देखिए, ये जो है कि बैगनी कलर का है, और इसमें बैगनी कलर के गुड़हल का फ्लावर आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, इस बैगनी वाले गुड़हल के प्लांट को लगा के देख लेते हैं कि इसको लगाना कैसा है जब आप एक नर्सरी से गुड़हल के प्लांट को लेके आते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे बर्ड्स आए हुए हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस हाथ में भी मेरे जो है कि बर्ड्स ही दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, थोड़ी सी हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो चलिए फटाफट इसको जो है कि मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे लगाना है आपको इसको। दोस्तों, बात कर ले मिट्टी की, तो मिट्टी के लिए मैंने जो है कि नॉर्मल गार्डन की सॉइल और 50% इसमें जो है कि कंपोस्ट मिला के बना लिया है मिट्टी को। मिट्टी को बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें 50% गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, या फिर जैविक खाद आप जो है 50-50 कर सकते हैं। 50% आप जो है जैविक खाद रख लीजिएगा, और 50% आप इसमें जो है कि नॉर्मल गार्डन की सॉइल, इन दोनों का रेशियो जो है कि मिक्स कर लीजिएगा। जैविक खाद नहीं है आपके पास तो आप जो है 50% गोबर की सड़ी हुई खाद भी रख सकते हैं इसमें, और चाहे तो वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो प्लांट मैं गुड़हल का लेके आया हूँ, इसको जो है ओपन कर लेता हूँ। सावधानी से इस तरीके से कटर ले लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद इस पॉलीथीन बैग को आराम से फाड़ लीजिएगा ताकि इसकी रूट्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। दोस्तों ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसकी जड़ें आई हुई हैं, आप साफ देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी रूट्स आई हुई है, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है इस जड़ों की। तो इसको सिंपली मैंने इस पॉट में पहले से ही कंकड़ पत्थर नीचे डाल लिया है ड्रेनेज होल बना करके, उसके बाद आधा मिट्टी फिलअप कर लिया ताकि वीडियो को बनाने में ज़्यादा समय ना लगे। सिंपली इसको जो है आप इसमें ऐसे रख दीजिएगा इसकी जड़ों को इस तरीके से, और थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा कि प्लांट जो है कि कैसा सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद जो हमने मिट्टी का ये रेशियो तैयार किया हुआ है, 50% नॉर्मल गार्डन की सॉइल और 50% गोबर की खाद, इन दोनों रेशियो को जो है कि इसमें इस प्लांट के किनारे किनारे अच्छे से हम लोग फिलअप कर लेंगे। मैं फिलअप करके दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों, मिट्टी को फिलअप करने के बाद अच्छे से इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसकी जड़ों तक मिट्टी पहुंच जाए, और किनारे जो इसके जड़ें हैं वो किनारे किनारे जो है इसकी मिट्टी अच्छे से दब जाए। इस तरीके से हम अच्छे से कंप्रेस कर देंगे ताकि एकदम अच्छे से ये जो प्लांट है सेट हो जाए। थोड़ी सी मिट्टी कम पड़ गई है, आप मिट्टी को भरपूर भरिएगा इसमें। भरने के बाद इसको क्या कीजिएगा आप कि इसमें अच्छे से वाटरिंग कीजिएगा। थोड़ी सी मिट्टी की कमी रह गई है, आप जो है कि पूरा अच्छे से इसको दबा दीजिएगा। मेरे पास ज़्यादा मिट्टी नहीं थी, फिर भी ये प्लांट लग जाएगा। मैं बाद में इसमें जो है कि पूरा ये अच्छे से मिट्टी से कवर कर दूंगा। आप कवर करने के बाद इसको जो है अच्छे से इसमें वाटरिंग कर दीजिएगा। दोस्तों, इस प्रकार से जो है कि आप गुड़हल के प्लांट को लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।